The breakdown of rocks into smaller fragments is called weathering. The process of removal or wiping away of rock fragments is called erosion. ये बात हम बार बार कर चुके हैं कि rocks का smaller fragment में टूटना weathering कहलाता है और इसी तरह इन fragments का remove हो जाना इनको हम erosion कहते हैं. Weathering and erosion have an immense effect on agriculture, irrigation, human settlement and transportation. वेदरिंग और इरोजन का बहुत ज़्यादा असर है एग्रीकल्चर पर, इरिगेशन पर, ह्यूमन सेटलमेंट्स पर एंड ट्रांसपोर्टेशन पर. सरफेस एरिया पोल्यूशन, रॉक कंपोजिशन एंड हॉट एंड मॉइस्ट क्लाइमेट आर द फैक्टर्स दैट इफेक्ट द वेदरिंग प्रोसेस. ये कुछ फैक्टर्स हैं जो कि वेदरिंग के प्रोसेस को इफेक्ट करते हैं. हाइड्रोलिक एक्शन, एब्रेशन, क्रोजन एंड इट्रिशन आर प्रोसेस ऑफ कोस्टल इरोजन. Caps, bays, caves, sea arches and seed stacks are landforms made by coastal erosion. Erosion is a natural process but some human activities make it happen more rapidly. Human activities are important geomorphic agents contributing to the change of landforms. ke kuch aise zameeni ishkal मित को तब्दील कर देते हैं. ह्यूमन एक्टिविटीज़ काफ़ी अहम हैं जो कि ज़मीनी अशकाल को चेंज कर सकती हैं. इसके साथ हम करेंगे आई कैन डू इट. आपके पास एक्टिविटी ए है, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन. द ब्रेकडाउन ऑफ रॉक्स इनटू स्मॉलर फ्रेगमेंट्स इज कॉल्ड. ऑप्शन वन है आपके पास इरोजन, ऑप्शन टू है वेदरिंग, ऑप्शन थ्री है आपके पास मैस वेस्टिंग एंड ऑप्शन फोर इज रस्टिंग. तो करेक्ट ऑप्शन इज वेदरिंग. इट इज़ द रिएक्शन बिटवीन एसिड्स एंड मिनरल्स. ऑप्शन ए हाइड्रेशन, ऑप्शन बी सॉल्यूशन, ऑप्शन सी कार्बोनेशन, ऑप्शन डी ऑक्सीडेशन. तो जैसे कि हमने पढ़ा था कि हाइड्रेशन वो है जो वाटर और रॉक्स के साथ रिएक्ट करेगा तो उसे हाइड्रेशन कहेंगे रॉक मिनरल्स के साथ. इसी तरह जब एसिड रॉक मिनरल्स के साथ रिएक्ट करेगा तो उसे सॉल्यूशन कहेंगे. जब कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बोनिक एसिड मिनरल्स के साथ रिएक्ट करेगा तो वो प्रोसेस होगा कार्बोनेशन. एंड जब ऑक्सीजन मिनरल्स के साथ रिएक्ट करेगी तो ऑक्सीडेशन. यहाँ पर पूछा गया है कि जब एसिड मिनरल्स के साथ रिएक्ट करेगा तो ये करेक्ट ऑप्शन है सॉल्यूशन. जी थर्ड एमसीक्यू है हमारे पास. डिकेड मैटर ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट प्रोड्यूस कार्बोनिक एसिड एंड. कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन. जी तो थर्ड ऑप्शन का आंसर आपको यहाँ पे मिलेगा एनिमल एंड प्लांट डिके. यहाँ पे लिखा हुआ है द डिकेड मैटर प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बोनिक एसिड दैट लीड्स टू द डीकम्पोजिशन ऑफ रॉक्स. जी तो करेक्ट ऑप्शन होगा हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड. विंड इरोजन इज़ कॉमन इन, मतलब हवा की वजह से जो सॉइल रिमूव होती है वो कहाँ पे ज़्यादा कॉमन है? ओशंस में, डेजर्ट्स में, प्लेन्स में या प्लेट्यूज में? तो ओशन में, सॉरी, जैसे कि आपको पता है कि डेजर्ट रेतले इलाके को कहते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा रेत होती है, मट्टी होती है, तो वहाँ विंड इरोजन ज़्यादा वहाँ से रिमूव करवा सकती है. तो ज़्यादा कॉमन कहाँ पर है? डेजर्ट्स में. अ सी स्टैक इरोड्स टू फॉर्म आ या एन आर्च, स्टम्प, बे, केव. पेज नंबर 78 पर आपके पास टॉपिक है सी स्टैक. तो यहाँ पे लास्ट टाइम देखें, अ सी स्टैक इरोड्स टू फॉर्म अ स्टम्प. करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, स्टम्प. नेक्स्ट है आपके पास मैच कॉलम ए विद कॉलम बी. यहाँ पे कुछ प्रोसेसेस के नाम हैं जैसे कि थर्मल प्रेशर, फ्रॉस्ट एक्शन, हेलोक्लास्टी, हाइड्रोलिक एक्शन, इट्रिशन. तो यहाँ पे हमने देखना है कि इनमें ये प्रोसेसेस कैसे होते हैं, इनके आप ये कह लें कि डिफाइंस हैं इनके सामने मौजूद. तो हमने हर प्रोसेस को इसकी सही डिफाइन के साथ मैच करना है. सबसे पहले आपके पास थर्मल प्रेशर, तो इसका आंसर है रॉक एक्सपेंड एट हाई टेम्परेचर एंड कॉन्ट्रैक्ट एट लो टेम्परेचर. मतलब थर्मल प्रेशर से मुराद है जो हरारत का दबाव है. अगर हीट ज़्यादा होगी तो रॉक्स जो हैं वो फैल जाएंगी और अगर कम होगी तो रॉक्स जो हैं वो सिकुड़ जाएंगी. नेक्स्ट है आपके पास फ्रॉस्ट एक्शन, इन्वॉल्व फ्रीजिंग एंड एक्सपेंशन ऑफ वाटर
दस एग्जर्ट प्रेशर ऑन रॉक्स। इसमें क्या होता है,